नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ये तो किसी भी उम्र में हो जाती है, लेकिन मोहब्बत पाली जाए तो दुनिया मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह की कहानी 66 साल के तरुण कांतिपाल और उनकी नवविवाहित पत्नी 63 साल की स्वप्ना रॉय की है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि प्रेम की ये कहानी तरुण कांतिपाल के बेटे शायोन पाल ने दुनिया के साथ ट्वीट कर शेयर की है। शायोन ने अपने फादर और स्टेप मदर की शादी की तस्वीर शेयर करते हुए दिल छू लेने वाली बात लिखी। शायोन ने कैप्शन में लिखा, मेरे पिताजी ने एक दिन पहले शादी कर ली। समारोह करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच हुआ। मेरी माँ की मृत्यु के 10 साल बाद मुझे खुशी है कि उन्हें फिर से प्यार मिला। सोशल मीडिया में शेयर की गई इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोग काफी खुश हैं। इस पोस्ट ने लोगों का दिल जीत लिया है। शायोन पाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अपने पिता और सौतेली माँ की प्रेम कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये काफी सिंपल और खूबसूरत कहानी है। वो दोनों पश्चिम बंगाल के हावड़ा के भट्ट नगर से हैं। जब वो एक दूसरे के परिवारों के बारे में जानते थे, तब वो एक दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उनकी मुलाकात एक बेंगलुरु में कार्यक्रम में हुई। ये उनकी पहली बातचीत थी। उसके बाद उन्होंने बातचीत जारी रखी और अपने परिवार के बारे में भी बात की। कुछ महीनों बाद स्वप्ना ने तरुण को कॉल किया। दोनों ने अच्छे से बातचीत की। उन्होंने फिर महीनों तक बात नहीं की। तकरीबन 4 महीने बाद स्वप्ना ने कॉल किया और तरुण को शादी के लिए प्रपोज किया। तरुण ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कम से कम लोगों में तरुण कांतिपाल और स्वप्ना का विवाह संपन्न कराया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।